इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने कवर अप किए हैं, तो आप वीडियो जो है पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 24/7 सीए जोन। तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो कि बीकॉम या एमबीए या बीबीए का एंट्रेंस प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और जो इकोनॉमिक्स के हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस इसमें जो है ऐड किए हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो उसमें बताना है राइट सीक्वेंस में इसमें से मैनेजमेंट फंक्शन का कौन सा होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। सी प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, या डी नन ऑफ दीज। तो जो राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है वो आपका होगा ए, यानी प्लानिंग, फर्स्ट वी प्लान, देन ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद होता है कंट्रोलिंग। तो ये जो है फंक्शन आपका करेक्ट सीक्वेंस यही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ए इज़ योर राइट आंसर, ये आपकी करेक्ट, ये आपका राइट सीक्वेंस है, करेक्ट चेन यही होगी आपकी। पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, उसके बाद डायरेक्टिंग होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग होगा, फिर देन कंट्रोलिंग होगा। तो फर्स्ट वन इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए मूरे, बी साइमन, सी डेविस, या डी एप्ले। तो मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए आपका राइट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है मूरे ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय। उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए, तो इसमें ऑप्शंस है ए एमर्सन, बी फेयोल, सी कैंट, या डी टेलर। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर जो है उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, और बहुत से लोगों को इसको आंसर पता भी होगा इसका। तो एफ डब्ल्यू टेलर इज़ द राइट आंसर। ऑलवेज़ आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा, बिकॉज़ कभी कभी कन्फ्यूज़ करने के लिए जो है नाम में भी चेंजेस कर देते हैं। तो बेटर होगा अगर आपको पूरा नाम याद रहेगा, तो इन अ शॉर्ट फॉर्म अगर आपको नाम याद है तो बेटर होगा ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय द। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर, या डी सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इज़ अनाउंस्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं रिजर्व बैंक के जो हैं वो हैं शक्तिकांता दास, मिस्टर शक्तिकांता दास जो हैं वो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वर्कर्स, बी प्राइम मिनिस्टर, सी बिजनेसमैन या डी सेबी। तो जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, फॉर दी वर्कर्स। तो इसमें आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, वर्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस है इसमें बी कुरेन, बी है गार्गिल, सी वीवी गिरी या डी विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वीवी गिरी। सो वीवी गिरी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इज़ रिलेटेड टू। तो ए एस ए आर सी, बी आई बी आर डी, सी आई एम एफ या डी आई एफ सी। तो साफ्टा इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन ए एस ए आर सी यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इज़ द राइट आंसर। बेसिकली जो साफ्टा है यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का, वो से रिलेटेड है। साफ्टा इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स आर, सॉरी स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स इज ए लायबिलिटी, बी अ पेपर गोल्ड, सी एन एसेट या डी एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी। तो SDR इज एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। SDR क्या है? एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज ए अरविंद पंगाड़े, बी निर्मला सीतारमन, सी राजीव कुमार या डी नरेंद्र मोदी। द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज बी निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर, द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज निर्मला सीतारमन। सो बी इज़ योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GIP बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ए दे रखा है ग्रॉस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सी ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी या डी क्रॉस इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो करेक्ट है इसमें है सी ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर्स टू GIP। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ए आउट ऑफ प्रॉफिट, बी आउट ऑफ कैपिटल, सी कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ऑल ऑफ द अबव यानी आउट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो एंड आउट ऑफ कैपिटल कन्वर्टिंग इनटू शेयर।
तो इसमें सारे ही करेक्ट हैं, तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछा है एरर्स इन डैश अकाउंट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, या सी दोनों ही, या डी नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट, यानी एरर्स इन बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों पर्सनल और रियल जो है राइट आंसर हो जाएगा, विच डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो इसमें से कौन से एग्जाम्पल है नॉन कैश एक्सपेंसेस के, ए डेप्रिसिएशन, बी वेजेस एंड सैलरीज, सी रेंट ऑफ द प्रमाइसेस, या डी टेलीफोन एंड एक्सपेंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन, ए डेप्रिसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ए इज़ योर राइट आंसर। ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन ए कैपिटल मार्केट, बी मनी मार्केट, सी कमोडिटी मार्केट, या डी नन ऑफ दीज। तो शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन मनी मार्केट, तो बी इज़ योर राइट आंसर, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रेजरी बिल पीरियड इज जर्नली ऑफ। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए 91 डेज, बी 364 डेज, सी 182 डेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली जो ट्रेजरी बिल पीरियड होता है वो 91 डेज, 364 और 182, तीनों ही आपके करेक्ट हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव का राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही ड्यूरेशंस जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कौन सा नहीं है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ए ट्रेजरी बिल, बी बिल ऑफ एक्सचेंज, सी कमर्शियल पेपर, या डी शेयर्स एंड बॉन्ड। तो विच वन इज़ नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डी शेयर्स एंड बॉन्ड। शेयर्स एंड बॉन्ड जो है नहीं है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बाकी सब है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शेयर्स एंड बॉन्ड इज़ योर राइट आंसर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IDR stands for, IDR stand for, इसमें ऑप्शंस ये रखे हैं ए इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, या फिर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, या सी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या डी नन ऑफ दिस। तो IDR जो है वो बेसिकली होता है आपका इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो बी इज़ योर राइट आंसर, IDR stands for इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो देन टोटल यूटिलिटी इज़
क्या होगी तब? मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, इक्वल होगी, या नन ऑफ दीज? सो इसका राइट आंसर होगा बी। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज़ योर राइट आंसर। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो देन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम इज, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में लिखकर कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसमें जो एम यू है इज़ फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड पी इज़ फॉर प्राइस, और बाकी इक्वल और ग्रेटर देन और लेस देन का जो है साइन यहाँ पे यूज़ हो रखा है। तो इसमें से बता आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर मोनोपोली। तो ऑप्शंस हैं इसमें, ए वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, बी नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, सी क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यस डी परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ए इज़ योर राइट आंसर। जो प्योर मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है वो है वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो ए इज़ योर राइट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर मोनोपोली इज वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज देन ए डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज, या बी डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, या सी डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज डिक्रीज सॉरी डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज, या डी नन ऑफ दीज। So when the price of good increase, then the demand for substitute goods will increase. तो बी इसमें राइट आंसर हो जाए। तो जब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स उसकी तरफ जो है स्विच करने लग जाते हैं। तो इसमें when the price of good increases, then the demand for substitute goods will increase. तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली अज्यूम्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ए इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस इलास्टिक देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज, या बी इज परफेक्टली इलास्टिक इफ द प्राइस इंक्रीजेज एंड परफेक्टली इन इलास्टिक इफ द प्राइस डिक्रीजेज, सी इन इज कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, या डी इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीजेज इज मोर इलास्टिक हो जाएगा देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। इसका राइट आंसर होगा, इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीजेज मोर इलास्टिक देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीजेज। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन ई एम वी स्टैंड्स फॉर, ए यूरोपियन मार्जिनल वैट, बी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, सी एसेंशियल मॉनेटरी वाउचर, या डी यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। तो जो एब्रीविएशन ऑफ ई एम वी है विच इज़ स्टैंड फॉर,
डी यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी EMV स्टैंड्स फॉर यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द हेड क्वार्टर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसका जो हेड क्वार्टर है लोकेटेड एट Washington DC, तो डी इज योर राइट आंसर। द हेड क्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट Washington DC, तो डी इज़ योर राइट आंसर। और जितने भी फुल फॉर्म्स वगैरह हैं वो सब आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी बार जो क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें लिंक रहती हैं तो उससे इजी रहता है चीज़ें, मतलब आंसर जो है काफ़ी इजीली हो जाता है आपके लिए अगर आपको चीज़ें जो है रिमाइंड रहेंगी, तो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है एक ही चीज़ से दो तीन क्वेश्चन जो है बना दिए जाते हैं, तो अगर एक भी चीज़ आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए फिर से इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है NSE, और ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो फुल फॉर्म ऑफ NSE इसमें से कौन सा होगा, न्यू सर्विस एक्सचेंज, बी न्यू स्टॉक इवेल्युएशन, सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या डी नेशनल सर्विस एम्पोरियम। तो जो फुल फॉर्म होगा NSE का वो हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी सी इज़ योर राइट आंसर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSE, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी WTO, या डी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज द रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जितने भी ट्रेड रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो कौन करता है, WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इलेक्टेड बाय ए एम्प्लॉयज, बी जनरल पब्लिक, सी गवर्नमेंट, या डी शेयर होल्डर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है विच इज़ इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, एक बार वीडियो आप दो तीन बार देखेंगे, दो से तीन बार देखेंगे तो आराम से आपको सारी चीज़ें जो है रिमाइंड हो जाएंगी बहुत ही ईजीली, तो कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर हम और भी क्वेश्चन जो है आपके लिए सेट करते रहेंगे। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप एक दो बार में ही इसको लर्न कर सकते हैं अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो।
ओके गाइज, बाय, टेक केयर।